हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन। स्टूडेंट, सबसे पहले आप एक चीज़ को याद रखिएगा कि ये जो सेक्स लिंकेज है ना, ये क्या है। मैंने आपको ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रस जो था उस टॉपिक के अंदर एक चीज़ डिस्कस की थी कि हमारे पास ऐसे ट्रेट जो एक्स क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं उनको हम कहते हैं सेक्स लिंकेड ट्रेट्स। ठीक है जी, जो एक्स क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्स लिंकेज या सेक्स लिंकेज। और आप तमाम स्टूडेंट को पता है कि जो हमारी बॉडी जो है, अब बॉडी के अंदर जो फीमेल का केस है उसमें सेक्स पेयर्स में जो दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं और मेल के केस में दो जो हैं सेक्स पेयर में दो क्रोमोसोम हैं, एक एक्स है और दूसरा क्या है, वाई। अच्छा, सेक्स लिंकेज के अंदर हमने जो एक्स के रिलेटेड ट्रेट हैं उनको स्टडी करना है। तो यहाँ पे मैं दो चीज़ें आपको बता दूँ, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट और एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। स्टूडेंट, बात इस तरह है कि कुछ ऐसे ट्रेट हैं जो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर हों डोमिनेंट फॉर्म में, कुछ ऐसे ट्रेट हैं जो एक्स क्रोमोसोम पे हों रिसेसिव फॉर्म में तो डिजीज़ होती है, कुछ ऐसे हैं जो डोमिनेंट फॉर्म में हों तो फिर डिजीज़ होती है, उनके बारे में हमने देखना है। तो यहाँ पे एक चीज़ और आप देखते जाएं कि जब भी आप इसको देखें तो हमारे पास है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट। अब ये जो हमारे पास एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट में जो आएगा वो आएगा हाइपोफॉस्फैटेमिक रिकेट्स, ठीक है, और या इसको हम कहते हैं विटामिन सी रेजिस्टेंट रिकेट्स, ठीक है। ये एक ऐसा ट्रेट है जो एक्स क्रोमोसोम पे होता है और ये डोमिनेंट फॉर्म में हो जीन तो तब ये डिजीज़ होती है। उसके बाद है एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, इसमें दो हमने डिस्कस करने हैं, एक है हीमोफीलिया और दूसरा है कलर ब्लाइंडनेस। ये जब एक्स क्रोमोसोम पे दोनों रिसेसिव फॉर्म में हों तो फिर हमारे पास जो है डिजीज़ होती है। तो मुझे स्टूडेंट ये बताएं कि मैंने आज फिर एक्स लिंक्ड के रिलेटेड टोटल कितनी डिजीज़ डिस्कस करनी है, थ्री। टू ऐसी जो रिसेसिव फॉर्म में जीन हो तो डिजीज़ होती है, वन जो डोमिनेंट फॉर्म में हो तो एक्स के ऊपर तो डिजीज़ होती है। तो मुझे ये बताएं रिसेसिव फॉर्म में दो होती हैं कौन कौन सी, हीमोफीलिया, दूसरी कलर ब्लाइंडनेस, और डोमिनेंट फॉर्म में कौन सी होती है, हाइपोफॉस्फैटेमिक रिकेट्स या विटामिन सी रेजिस्टेंट रिकेट्स भी उसको हम कहते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीनेटिक्स ऑफ हीमोफीलिया। सबसे पहले हम हीमोफीलिया को देखना है, ये जो हीमोफीलिया डिजीज़ है ये कैसे होती है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके रीजंस क्या हैं, इसकी जेनेटिक्स क्या है, इसके टाइप्स कितनी हैं। तो मेरी बात तमाम बच्चे यहाँ पे ज़रा गौर से सुने कि हीमोफीलिया जो है ये बेसिकली है क्या। बात इस तरह है कि जब आपकी बॉडी पे किसी भी जगह पे कट लग जाए, जब आपकी बॉडी पे कट लग जाए तो कट लगने के बाद जब वहाँ से ब्लड बहता है तो आपको पता है 2-4-5 मिनट के बाद वहाँ पे ब्लड क्लाटिंग होती है और खून का बहना जो ब्लीडिंग है वो रुक जाती है, ऐसा ही है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बॉडी पे माइनर सा कट लग जाए उनसे जब ब्लीडिंग होती है तो वो ब्लीडिंग रुकती नहीं है, माइनर से कट की वजह से इंसान की डेथ हो जाती है, ठीक है जी। तो ऐसे लोग जिनमें ये डिजीज़ हो उनको कहते हैं, उस डिजीज़ को कहते हैं हीमोफीलिया। ह्यूमो मीन होता है ब्लड, फीलिया मीन होता है इफेक्शन, मोहब्बत करना, लव करना, ठीक है जी। उनकी बॉडी के अंदर कट लगा नहीं, पूरे का पूरा ब्लड बह गया उसके अंदर से, ठीक है। तो एक तो फिर ये पॉइंट हो गया कि इसमें फेल्स ब्लड क्लॉटिंग, इसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता, जो खून जमता नहीं है। उसके बाद है इसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर ही नहीं है,
समझ आ रही है? मीन के वो प्रोटीन फैक्टर जो ब्लड की क्लाटिंग करता है, आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर 14 में पढ़ा था, जब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आपने पढ़ा था कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जब ब्लड क्लाटिंग होती है तो उसमें इनमैच करती हैं रेड ब्लड सेल को, और वहाँ पे हीलअप का प्रोसेस होता है, या ब्लड की जो है वो क्लाटिंग के बाद ब्लड का बहना जो है वो स्टॉप हो जाता है। तो हमारे पास जो है ये कुछ मैंने आपको बता दिया कि वो नहीं बहता। अब मैं आपको बता दूं, आपकी बॉडी के अंदर ना नॉर्मल जीन जो है डोमिनेंट फॉर्म में होता है कैपिटल एच, और जब वो रिसेसिव फॉर्म में होगा तो उसको क्या बोलते हैं स्मॉल एच। मुझे ये बताएं, हीमोफीलिया कैपिटल एच की फॉर्म में डिजीज़ होगी या स्मॉल एच की फॉर्म में? स्मॉल स्मॉल क्यों? क्योंकि ये बेसिकली एक रिसेसिव डिजीज़ है। क्या है जी ये बेसिकली? ये क्या है? रिसेसिव डिजीज़। तो स्टूडेंट फिर अब मैं आपको एक, सबसे पहले मैंने आपको इसके सिम्टम्स के बारे में बताया, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसके जीन्स के बारे में बताया। अभी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ इसके टाइप्स। तो जब भी आप हीमोफीलिया की बात करते हैं, हीमोफीलिया की थ्री बेसिक टाइप हैं, ए बी सी, ठीक है जी। ये मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, हीमोफीलिया जो है इसकी थ्री टाइप हैं, ए बी और सी। इसमें से जो सबसे कॉमन है वो ए है, 80% जो हीमोफीलिया मैक्सिमम ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर एग्जिस्ट कर रही है वो 80%, बी जो है वो 20% और सी जो है वो 1%। बताने का मकसद ये है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा फिर कौन सी टाइप होगी? ए वाली, ठीक है। तो अब आगे मैं आपको ये बता दूं कि ये जो 80, 20 और 1% है, इस ये किस किस वजह से होती हैं? जो हीमोफीलिया ए है ये होती है फैक्टर 8 की वजह से, मतलब नंबर है जीन का। बी जो है ये होती है 9 की वजह से, और सी होती है 11 की वजह से। समझ आ रही है? मतलब कि एक जो है जीन नंबर 8 की वजह से, एक जो होती है जीन नंबर 9 की वजह से, और एक जो होती है जीन नंबर 11 की वजह से। अब स्टूडेंट अगली बात ये है कि जो जीन 8 और 9, मीन के फैक्टर 8 और 9 है, ये कहाँ पे होते हैं? ये क्रोमोसोम नंबर X पे हैं। मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिएगा। अगर एक मैं मेल की बात कर लूँ, अगर हम मेल की बॉडी की बात करते हैं, हम यहाँ पे दो क्रोमोसोम्स को बनाते हैं। ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है X, ठीक है जी, और दूसरा जो है ये क्रोमोसोम है Y। और आपको पता है कि ये किसका मैं बनाया है कॉम्बिनेशन, मेल का, ठीक है। अब ये जो आपको पता है कि ए वाला 8 और 9 जो फैक्टर है ये एक्स क्रोमोसोम पे है, एक्स लिंक्ड है, ये एक्स क्रोमोसोम है। इस पे एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो इसके अल्टरनेट वाई पे नहीं होता। आपको पता है वाई के ऊपर जो जीन की पोजीशन है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो नहीं होता वाई क्रोमोसोम के ऊपर। तो हमारे पास फिर क्या होगा कि इसको हम बोलते हैं नॉन एलीलिक, ये नॉन एलीलिक है, ठीक है, इसकी एलील नहीं है दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर। समझ आ रही है? उसके बाद अगला जो है हीमोफीलिया सी, जो 1% है, ये ऑटोसोमल है। समझ आ रही है? ये एक्स क्रोमोसोम पे नहीं है, और मेरे ख्याल में शायद ये जो फैक्टर 11 है ये क्रोमोसोम नंबर 7 पे है शायद, ठीक है, या 11 पे है, इसमें से किसी में है। अब ये देखें, ये जो हीमोफीलिया सी है ना, जो 1% है, ये ऑटोसोमल है। अब मुझे ये बताएं, अगर ये ऑटोसोमल होगा तो इस ये नॉन एलीलिक होगा या एलीलिक? एलीलिक होगा, क्योंकि आपको पता है कि ऑटोसोम सारे के सारे पेयर की फॉर्म में हैं। अगर जीन की एक एलील इधर है तो उसके अल्टरनेट दूसरे के ऊपर दूसरी एलील होगी। समझ आ रही है? तो ये फिर मुझे ये बताएं कि आपके पास हीमोफीलिया की टोटल कितनी टाइप होगी? थ्री। ए बी सी कॉमन कौन सी है, ए रेयर कौन सी है, सी, और इसमें से कितनी सेक्स लिंक्ड हैं? टू, फर्स्ट वाली। कितनी ऑटोसोमल हैं? वन, सी वाली। कितने नॉन एलीलिक हैं? टू। कितनी एलीलिक हैं? वन। समझ आ रही है? अच्छा, अब स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ और, हम अब ना इसकी ये पेडिग्री देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बताता जाऊँ कि जब भी हम ह्यूमन के अंदर किसी भी डिजीज़ को स्टडी करते हैं तो हम नेचुरली उसका क्रॉस नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, एक फीमेल है, उसका जेनेटिक मेकअप चेक करना, एक मेल के साथ उसका क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि सोशल इशू हैं। क्रॉस तो जस्ट वो उसी से करेगी ना जिसके साथ उसकी शादी हुई हुई है। वैसे तो नहीं है कि हर एक के साथ उसका क्रॉस करवाया जाए और उसकी जेनेटिक मेकअप को, उसकी फीलियल जनरेशन को चेक किया जाए, ऐसा तो नहीं है। तो
तो हमारे पास जो है फिर हम इनकी पेडिग्री को चेक करते हैं। पेडिग्री होता है शजरा नस्ब, ठीक है। इनके आपस में हम देखते हैं ये इसके ये बच्चे हैं, इनके वालदन थे उनमें कौन सी डिजीज़ थी, उनके वालदन में कौन सी थी, या ये बच्चे हैं इनके आगे जो होंगे उनके अंदर क्या सीन है, उनके अंदर क्या सीन है, ठीक है जी। इसको हम पेडिग्री या शजरा नस्ब कहते हैं। देखें अभी मैं बताने लगा हूँ जेनेटिक्स ऑफ हीमोफीलिया में पेडिग्री को। स्टूडेंट बात इस तरह है कि हमारे पास ना ये एक है फीमेल और ये है एक मेल। याद रखिएगा जो राउंड आपके पास शेप है ये शो करती है फीमेल को, और राउंड के साथ जो ऐसे कॉर्नर है स्क्वायर है ये शो करती है मेल को, ठीक है जी। अब मेल रेड है, फीमेल ग्रीन है। मेल रेड, रेड का मतलब है कि ये इन्फेक्टेड है, ये बीमार है, ये हीमोफीलिया जो है इसके अंदर डिजीज़ है। और ये जो है ये फीमेल है ये नॉर्मल है। ग्रीन का मतलब क्या होगा? नॉर्मल। और रेड का मतलब क्या होगा? इन्फेक्टेड, ठीक है जी। अब देखें मैंने आपको बताया था हीमोफीलिया एक रिसेसिव ट्रेट है, रिसेसिव जेनेटिक्स है इसकी। तो ये स्मॉल एच और इस पे दोनों के दोनों क्या हैं? कैपिटल एच है, समझ आ रही है। अब जब इन दोनों की शादी होगी ना, शादी के बाद इनके हाँ दो बच्चे हुए हैं, एक ये और एक ये, ठीक है जी। जो इसका मेल है वो नॉर्मल है या इन्फेक्टेड है? नॉर्मल, क्योंकि ग्रीन है। और फीमेल नॉर्मल है या इन्फेक्टेड? ये इन्फेक्टेड भी नहीं है और नॉर्मल भी नहीं है, ये कैरियर है। ये जो सेंटर में रेड कलर का डॉट होता है इसका मतलब है कैरियर। अब ये मैं बताता हूँ कैरियर कैसे। देखिए स्टूडेंट आप अगर इसके दो गैमेट बना लें, इसके दो गैमेट बना लें, उनको जब मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह आप इस चैप्टर में रूटीन के साथ पढ़ के आ रहे हैं, तो हमारे पास मेल का ये कॉम्बिनेशन बनेगा कैपिटल एच, इस फीमेल का ये कॉम्बिनेशन बनेगा एक कैपिटल एच एक स्मॉल एच। अब आपको पता है कैपिटल एच डोमिनेंट है जिसकी वजह से इसमें डिजीज़ नहीं होगी, लेकिन इसमें हीमोफीलिया का रिसेसिव ट्रेट, रिसेसिव जीन मौजूद है, एलील मौजूद है जो आगे जाके एक्सप्रेस हो सकती है। तो यहाँ पर फिर ये किसके तौर पर काम कर रही है? फीमेल कैरियर। ये मेल क्या है? नॉर्मल। अब ये जो हमारे पास इसको हम ये जो पहले वाली है इसको हम बोलते हैं पेरेंट, ठीक है जी। पेरेंट में, पेरेंट के आगे हुए चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में जो कैरियर फीमेल थी उसकी एक नॉर्मल मेल के साथ करवाई शादी, कैपिटल एच। आपको पता है कि इसके ऊपर कैपिटल एच होगा तो नॉर्मल। जब इन दोनों की आपस में शादी होती है तो होने के बाद इनके आगे कितने बच्चे हुए हैं? चार। अब ये जो चार हैं इनको आप नंबर दे लेते हैं 1, 2, 3, 4, इसी तरह इधर भी आप दे लें 1, 2, 3, 1, 2, ठीक है जी। अब ये जो चार बच्चे हैं मुझे ये बताएं कि ये फीमेल क्या है? नॉर्मल। ये मेल क्या है? ये मेल क्या है? इन्फेक्टेड। और ये कैरियर। अब मुझे ये बताएं चार बच्चे हैं, एंटी टेस्ट का एमसीक्यूज भी सुनना और बोर्ड का आपने यहाँ पे एमसीक्यूज भी सुनना है। चार बच्चे हैं, अगर पेपर में एमसीक्यू आता है कि एक कैरियर फीमेल का एक नॉर्मल मेल के साथ जब शादी होती है तो कितने परसेंट चांस है कि उसके बच्चे नॉर्मल हों? 50%। आधे बच्चे नॉर्मल हैं तो कितने परसेंट चांस है? 50%। कितने परसेंट चांस है इन्फेक्टेड हों? 25%। इन्फेक्टेड 1 है तो कितने परसेंट चांस है कैरियर हों? 25%, ठीक है। क्योंकि देखिए ना चार हैं, आधे नॉर्मल तो 50% नॉर्मल, पीछे जो हैं जो आधे बचे हैं उनमें से आधे कैरियर हैं और आधे क्या हैं? इन्फेक्टेड हैं। तो हमारे पास जो है ये आपके पास नज़र आ रहा है कि ये कैरियर है और ये क्या है? इन्फेक्टेड। तो यहाँ पे ना आपके एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे अक्सर बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, वो जो एक्सपेरिमेंट की एक्सप्लेनेशन है उसमें ये है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लाइन नंबर 1 का इंडिविजुअल 1 और 2 है, जब उनका क्रॉस हुआ तो लाइन नंबर 2 में हमारे पास दो एनिमल्स पैदा हुए, एक नॉर्मल मेल है दूसरा कैरियर फीमेल है। कैरियर फीमेल का लाइन नंबर 2 वाले का एक नॉर्मल जो है वो मेल के साथ जब आपस में क्रॉस होता है, इसको हम सिबशिप भी कहते हैं, रिश्तेदारी, जब इसका रिश्ता इसके साथ होता है तो फिर इसके आगे कितने बेबी होते हैं? चार, ठीक है। उसमें से आपको पता है कि कितने कैरियर हैं, कितने इन्फेक्टेड हैं, कितने जो है नॉर्मल हैं, कितने एबनॉर्मल हैं। तो ये मैंने, मुझे बताएं कि ये मैंने किसकी आपको बताई है अभी? पेडिग्री हीमोफीलिया की। तो स्टूडेंट हम हीमोफीलिया की जेनेटिक्स को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वाले टॉपिक में हमने स्टार्ट करना है जेनेटिक्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। तो आज के लिए थैंक यू।